सड़क बीच में नहीं, साइड साइड में चलो। हाँ नहीं नहीं, इस वाले रास्ते से नहीं जाएंगे, पापा लेने आ रहे। नहीं नहीं, पापा यहाँ से आएंगे। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज के ब्लॉग में भी। तो मैं और आदित्य निकल चुके हैं ऑफिस से घर की तरफ। आदित्य जो है मेरे साथ ही आ गया था, मेरे पास ही आता है, ये मेरे साथ ही आता है, मेरा यार, मेरा दोस्त सही है ना यार, दोस्त कि नहीं है। तो बस अभी हम लोग निकल गए हैं, अभी आदित्य के पापा जो है हमारे को लेने आ रहे हैं। और ये बंदा बंदर की तरह उछलता हुआ जा रहा है। मौसम काफ़ी अच्छा है, ये देखो धूप निकली हुई है, सूरज चमक रहा है। तो अभी हम उर्वी के क्रच के पास पहुंच ही चुके हैं। 2 मिनट का रास्ता है, तुम जल्दी। अरे ऊपर से मेरे कॉलेज से लेके यहाँ तक 2 या 5, नॉट मोर देन 3 to 5 मिनट्स। हाय एवरीवन, शाम का हो गया टाइम, अभी जस्ट ऑफिस से मैं पहुंची हूँ, थोड़ी देरी हुई है, बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि 8 मार्च को जो है वुमेंस डे है, और इस वुमेंस डे पे अगर हम सबसे ज़्यादा किसी को पैम्पर कर सकते हैं तो वो है अपने आप को, या फिर अपने घर की जो भी हमारी लेडीज हैं उनको, हमारी मदर है, सिस्टर है, या हमारी कोई फ्रेंड्स है, उनको भी हम पैम्पर कर सकते हैं। तो मैंने खुद को पैम्पर करने के लिए मंगवाया है ये बैग। तो दिस बैग इज़ फ्रॉम द ब्रांड ज़ूक। तो ज़ूक की तरफ से मैं आप लोगों के साथ पहले भी बैग शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि ज़ूक के बहुत सारे स्लिंग बैग्स भी है, लैपटॉप बैग्स भी है, ऑफिस बैग्स हैं, वॉलेट्स हैं, और यही नई फुटवेयर्स भी आते हैं, मेल वॉलेट्स भी आते हैं। तो ये बैग मैंने अपने लिए मंगवाया है। इसी तरीके मेरे पास एक बैग ऑलरेडी है जो कि मैं आप लोगों के साथ पहले बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो ये बैग जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, एंड द बेस्ट पार्ट इज ये प्रिंट देख रहे हो आप, ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है और कितना यूनिक लग रहा है। तो इस तरीके के जब भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे प्रिंट के, मतलब आप अलग डिज़ाइन भी ले सकते हो। तो मैंने इस बार चूज़ किया अपने लिए ये वाला डिज़ाइन। और बेस्ट बात मैं आपको बताऊँ ज़ूकी की, ज़ूकी ये जो बैग है ये 100% वेगन है, क्रुएलिटी फ्री है, और मेड इन इंडिया है, इससे बेस्ट और चाहिए क्या। तो चलिए बात करते हैं इसके स्पेस की। बाहर से आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है बैग, अच्छा खासा सामान आपका आ जाएगा, और ऑफिस के लिए हमें जिन भी चीज़ों की नीड होती है वो सब कुछ हम इसमें कैरी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए बैग जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, यहाँ पे हमें ये मेन कंपार्टमेंट मिल जाता है, देन यहाँ पे एक ये पॉकेट है जिसमें आप अपना लैपटॉप या फिर अपना जो टैब वगैरह जो भी आपको कैरी करना है वो सेफ एंड सिक्योर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्टफिंग वाला आपको पोर्शन मिल जाता है। और उसके बाद आता है हमारा ये मेन कंपार्टमेंट जिसमें यहाँ पर आप अपना मोबाइल फ़ोन या अपना चार्जर कैरी कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना पेन वगैरह जो भी हमें ऑफिस के लिए नीड होती है वो सब कुछ कैरी कर सकते हैं। देन स्पेस आप देख सकते हैं, इसमें आप अपना वॉलेट, डायरी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं कैरी कर सकते हैं, क्योंकि बैग ऑलरेडी जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है और डेली ऑफिस ले जाने के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो भी फॉर्मल वियर रहता है या कैजुअल वियर रहता है ऑफिस के लिए, तो इस तरीके से आप जो है ये अपना जो हैंडबैग है ज़ूक का ये कैरी कर सकते हैं। बहुत ही क्लासी लगता है और बहुत ही अच्छी लुक भी देता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, जो कि हम लेडीज़ को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है एक स्पेशियस बैग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट का जो लिंक है वो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही साथ यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं मेरा कूपन कोड है। अगर ये कोड आप अप्लाई करते हैं तो आपको 12% डिस्काउंट जो है मिल जाएगा, और अगर आप ज़ूक की जो वेबसाइट मैंने मेंशन की है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक करते हैं तो आपको इसी तरीके के और भी बहुत सारे बैग जो है उनके ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से अपना जो डिज़ाइन है, स्लिंग चाहिए, हैंडबैग चाहिए, या आपको लैपटॉप बैग चाहिए स्पेशली ऑफिसेज के लिए, या फिर आपको अपने हस्बैंड को वॉलेट गिफ्ट करना है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो जी ऑफिस आए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन बिल्कुल भी जो है टाइम नहीं मिला व्लॉग करने का, क्योंकि मेरा पहले एक स्टूडेंट आ गया था घर पर, उसका बोल रहा था मुझे आपके घर जाना, मुझे आप घर जाना, तो मेरे तो बाद ही आया वैसे,
तो उसके साथ थोड़ी देर बैठ के चाय वाय पी। और ये रही मेरी उर्वी, जिसने जिसको मैंने नमकीन दी थी खाने के लिए, उसने सारी नमकीन इधर से उधर फैला फैला के क्या कर दिया, सारा नमकीन फैला दिया इधर उधर है ना, इधर उधर। हाँ, तो सब कुछ काम करते करते, मतलब काम क्या अभी चेंज वेंज किया, और उर्वी का डायपर वगैरह चेंज किया, आदित्य को पढ़ाने के लिए बिठाया। तो अभी 6:30 होने वाले हैं, 6:20 हुए हैं, अभी पूरे 6:30 नहीं हुए। तो अब जो है बर्तन है, वैसे मैं सुबह बर्तन धो के गई थी, बट कुछ एक बर्तन ऐसे बाद में भी हो जाते हैं खाने के, तो वो है धोने के लिए, उनको धोऊंगी। और इसको पता नहीं क्या हो रहा, क्या हुआ मेरी मम्मा को, क्या हुआ। अब थोड़ी देर मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर मैं कुछ काम कर पाऊंगी। अदरवाइज इसको लगता है कि मम्मा मुझे छोड़ के, क्या हुआ क्या हुआ, गिर गया क्या, गिर गया बेटे, क्या गिर गया, ग्रेप्स खाए आपके, अच्छा मेरा आलू गिर गया, आलू वही वही ऐसे हो जाओ, लो बच अब जाके इस लड़की को थोड़ी देर ये टॉयज देके बिठाया है, अदरवाइज ये बिल्कुल नहीं बैठती। और इनसे भी ये ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट का खेल है, उतने में मैं फटाफट से बर्तन निपटा देती हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे बेटी के नाम पे तूफान दे रखा है, जो तूफान जो है कोहराम मचा के रखता है घर पे, वैसा तूफान। पर ये कोहराम ये तूफान भी किस्मत वालों को ही मिलता है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो चलिए मैं जल्दी से बर्तनों का जो काम है वो निपटा लेती हूँ, अदरवाइज मेरी परी जो है एक बार बिगड़ गई ना किसी बात पे, तो फिर इसको जैसे वो देवता मनाने पड़ते हैं ना, वैसा मनाना पड़ता है, ये मेरा देवता ही है, मेरी माता रानी है जो मनानी पड़ती है बहुत बुरे हाल से। तो जल्दी जल्दी करते हैं काम, अभी सुबह धोए थे बर्तन, वो अभी रखने के लिए, आई मीन अपने अपने जगह पे पहुंचाने के लिए है। और छोटी छोटी मक्खियाँ जो होती है ना, वो फिर से लो, मैंने 5-7 मिनट बोला था, इधर तो 2 मिनट भी नहीं लगे, क्या हुआ लगी। अच्छा, तो मुश्किल से जो है मैनेज हो पाता है बच्चों के साथ काम करना, अभी तो मैं बर्तन धो रही हूँ, मीनवाइल जो है ना उर्वी को संभालना एंड ऑल, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों को लगता है कि बहुत ही आसान है, सब कुछ आसानी से हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। कई बार मेरे बच्चों को, मतलब उर्वी को, आदित्य तो खैर अभी बड़ा हो गया है, उर्वी को कभी गोद में उठा के मैं तड़का लगाती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ ऐसे गोद में ले लेके उसको काम करना होता है। तो अभी भी आप देख सकते हो कि उसी के साथ मैं बातें कर रही हूँ, अभी वो आ गई है यहाँ पर, और धीरे धीरे वो तंग भी करती रहती है। और बीच में आदित्य भी, इसको मैंने होमवर्क दिया था करने के लिए, तो ये आके मुझे बीच में अपना जो भी ये काम करता है सुनाता भी रहता है साथ साथ में, और मेरे जो काम है वो भी निपट जाते हैं। बट उर्वी के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार मुझे एक काम छोड़ के बार बार भागना पड़ता है उसको देखने के लिए। तो यहाँ पर भी बस वो बिना मतलब कि रो रही है, चाहिए उसको कुछ भी नहीं है, बस गोद में आना है उसको। तो मुझे लगा इसको भूख लगी है, तो मैंने सोचा यहाँ पर फटाफट से इसके लिए पॉपकॉर्न बना देती हूँ, क्योंकि पॉपकॉर्न ये भी खा लेती है और आदित्य भी बहुत पसंद करता है पॉपकॉर्न खाना। तो अभी ये बीमार थी, तो इस वजह से थोड़ी सी जो है चिड़चिड़ी ज़िद्दी ऐसी हो गई है। तो पॉपकॉर्न जो है हमारे हो चुके हैं, बन गए रेडी बच्चों के लिए, तो बस वही इसको भी एंटरटेन करती जा रही हूँ और साथ ही साथ अपने जो काम है वो भी निपटाती जा रही हूँ। तो जी अभी बर्तन वर्तन धो दिया मैंने, ये देखो एकदम चकाचक हो गए किचन। अभी मैं डालूँगी दाल, और सोचती हूँ ना यार कि जल्दी से कर लूँ तो जल्दी सो पाऊँ, तो सुबह जल्दी उठ पाऊँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है। रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लेट हो ही जाते हैं किसी न किसी रीज़न से, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो लेट कर ही देता है, जबकि सुबह के लिए भी तैयारी करनी होती है। वैसे तो पति परमेश्वर जी हमारे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, कई बार सब्ज़ी भी बना देते हैं, कई बार आटा भी गोल के रख देते हैं सुबह के लिए, और मेरे लिए उतनी हेल्प बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत मुश्किल होता है काम करना, काम निपटाना, क्योंकि सुबह इतने सारे काम का जो क्योंकि सुबह सुबह जो काम का प्रेशर होता है ना, वो एकदम ही पड़ जाता है, एकदम से बहुत ज़्यादा काम हो जाता है करने के लिए। तो फिर उतनी हेल्प ही मुझे तो बहुत लगती है कि हाँ उतनी हेल्प भी हो पा रही है। सबसे पहले मैं उड़द की दाल ढूंढ लूँ कि उड़द की दाल है भी कि नहीं है, फिर उसके बाद बात करती हूँ आप लोगों से।
तो जिस बात का डर था वही हुआ, उड़द की दाल है ही नहीं, तो अभी सिर्फ खाली खाली चने की दाल बना रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि मुझे छोले मां की दाल बनानी है, मतलब चने ये वाले दले चने जो होते हैं ये वाले, तो अभी यही बना दे रही, पता ही नहीं था कि दाल है ही नहीं, ऐसा भी होता है आजकल, क्योंकि जब दिमाग कहीं और चला हो तो फिर बहुत सारी चीज़ हो जाती है। अरे अकेले बंदा क्या है याद रखे, वो भी बात है ना, तो अकेले बंदे को इतनी सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती। तो फिलहाल आज का जो मेन्यू है वो बहुत ही सिंपल सा रहेगा, आप दले चने की दाल यानी कि छोले की दाल और चावल वही बनेगा आप। तो दाल अभी चढ़ा दी है मैंने, बस अब दाल जितने में उबलेगी उतने में मैं लहसुन वगैरह छील के रख दूँगी, क्योंकि तब तक फिर और भी जो है ये भी अंदर से बोली पड़ेगी कि चिल्लाई जाती है थोड़ी थोड़ी देर में इसको, अभी जब से ये बीमार है, अभी तो खैर ठीक है, आज तो ठीक है, कल भी ठीक थी, पर फिर ये चिड़चिड़ी सी हो गई है, क्योंकि तबीयत ऐसे जब ख़राब होती है ना बच्चे की, तो बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, हम लोग खुद ही चिड़चिड़े से हो जाते हैं। और ये कमेंट आया था कि आप घर चेंज कर लो, इतना सारा सामान आपने रखा है तो आप घर चेंज क्यों नहीं कर लेते, तो अब मैंने घर चेंज करने के बारे में जो है सोचना भी बंद ही कर दिया है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने हस्बैंड को बोला था कि अगर ट्रांसफ़र नहीं होती, अगर हम धर्मशाला ही रहता है तो हम घर चेंज कर लेंगे, देन ही सेट ओके वी विल चेंज, लेकिन जब टाइम आया चेंज करने का तो फिर जैसे किसी ने एक दो ने बोल दिया कि ऐसा घर नहीं मिलेगा कि एकदम रोड के साइड में घर है फिर पार्किंग है, हाँ ये बात है ये मैं मानती हूँ कि नहीं मिलेगा, फिर उन्होंने कहा ठीक है हम ऐसा करते हैं कि पेंट करवा देंगे घर, मैंने कहा ठीक है अगर पेंट करवा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना सीलन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सीलन की दिक्कत पूरे घर में भी नहीं है, बस ये छत वाली जो है ना उसमें ज़्यादा है, और एक रूम में ज़्यादा है एक में कम है कुछ ऐसा, इनका पेंट करा लेते, मैंने कहा ठीक है भैया पेंट करा लेंगे, तो वो पेंट भी अभी तक मुझे कोई आसार ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं कि पेंट होगा कि नहीं होगा, होगा तो भी ठीक है नहीं होगा तो भी ठीक है, मैंने जो है अभी एक्सपेक्ट करना जो है वो मतलब उम्मीदें लगाना ऐसा छोड़ दिया है कि हाँ होगा कि नहीं होगा, ठीक है होगा तो भी ठीक है नहीं होगा तो भी ठीक है, जब औरों को कोई इसमें परेशानी नहीं हो रही है कोई उलझन नहीं हो रही है तो मेरे को लग रहा है कि शायद मेरे को भी इतनी ज़्यादा सिरदर्दी लेने की ज़रूरत है नहीं, और फिर मुझे ऐसा होता है कि मैं एक बार बोल दूँ फिर मुझे आस लग जाती है कि हाँ, और आगे से कोई बोल भी दे कि हाँ ठीक है करवा लेंगे फिर तो और भी ज़्यादा हो जाती है, अब जब करवाना होगा तब करवाएंगे, क्योंकि आई एम नॉट द ओनली पर्सन जो इसमें घर में रह रहे हैं और भी लोग रह रहे हैं, तो जब किसी को दिक्कत परेशानी होने लगेगी तो फिर कर लेंगे, जिसको करना होगा वो कर लेंगे, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा मुझे मैं हेडेक नहीं लेती इन सब चीज़ों की, हाँ सामान है तो है क्या कर सकते हो, तो ये है, बाकी अगर पेंट हो जाएगा तब तो घर ठीक हो ही जाएगा, फिर पानी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत, वैसी दिक्कत नहीं है, पानी रोज़ आता है, बट टैंकी जो है वो 500 लीटर्स की है, तो 500 लीटर में गुजारा, बस एक ही दिन का गुजारा हो पाता है, कभी बीच में अगर पानी नहीं आया तो फिर दिक्कत होती है, उसके लिए भी मैंने बोला था कि चलो हम टैंकी लगा लेते हैं 1000 लीटर की, तो बच्चों के कपड़े भी होते हैं ना धुल जाएगा, पर एज यूजल उस पर भी कोई सुनवाई नहीं की गई, पर चलिए कोई बात नहीं वो भी अगर मैनेज हो रहा है तो ठीक है, अब हम ऐसे मैं तो ऐसा करती हूँ कि शाम को जैसे कपड़े धो लेते हैं फिर नेक्स्ट डे जब पानी आता है तो फिर उनको साफ पानी में निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर एक साथ ऐसे कपड़े धोने वाला और ये सब कुछ काम करने लग जाए तो फिर थोड़ा सा मैनेज कर पाना मुश्किल होता है। फिर एक कमेंट ये आया था कि आपके तो मज़े हैं आप खुद भी कमाते हो और आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान की दया से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, और पहले भी नहीं थी जब मैं जॉब नहीं करती थी मुझे तब भी नहीं थी और अभी भी नहीं है, तो मैं कमाती हूँ हाँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन इतनी भी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ कि घर के खर्चे भी चला लूँ या कुछ है, और उन्हें चलाने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि पति परमेश्वर जो है वो खुद करते हैं सब कुछ, तो मुझे ऐसे पैसों वैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो कमाती हूँ बस हाँ ये है कि फिर अपना मैं गुजारा खुद कर लेती हूँ, जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो मैं खुद मैनेज कर लेती हूँ, उसके लिए फिर मैं इतना ज़्यादा बर्डन इन पे नहीं डालती हूँ, और काफ़ी टाइम हो गया आई थिंक 2018 या 19 से जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तब से ही मैं इतना ज़्यादा मतलब बर्डन नहीं डालती हूँ इन पे, अब हाँ भैया वो तो मेरा हक है जो मुझे लेना है इनसे वो मैं ले भी लेती हूँ है ना, जो पैसे मुझे निकालने जो मुझे चाहिए वो चाहिए, फिर इतना तो हक बनता ही है मेरा, तो जब तक है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट
तब तक ठीक है, बाकी वीरेनी से लेने हैं पैसे, और किससे लेने है ना, तो ये बात है। तो बाकी ये है कि हाँ, भगवान की दया से मुझे कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, किसी की तरफ से भी कोई कमी नहीं है, ना इनकी तरफ से कमी है, ना मुझे अपनी तरफ से कोई कमी है। भगवान ने जितना दिया है, जितना मुझे ज़रूरत है, उतना बहुत कुछ है। तो मेरी ऐसी कोई बहुत इच्छाएँ नहीं है कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो। जो मुझे चाहिए होता है वो मैं खुद कर लेती हूँ, और ज़्यादातर खर्चे मैं कोशिश करती हूँ अपने खुद ही निकालूँ। तो ये बात है, बाकी फिर भी जो बातें किसी ने सुनानी होती वो सुना ही देते हैं, बाकी मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कोई क्या सुनाता है क्या नहीं सुनाता है, क्योंकि यार हम लोग औरों की बातों में आके ना अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो वही बात है, बातें मतलब इस टाइप की होती है कि जैसे बच्चे बीमार हो गए तो बात माँ पे आती है कि माँ ढंग से ध्यान से नहीं रखती बच्चों को या कुछ भी है, पर कौन माँ ऐसी होती है यार जो अपने बच्चों को खुद ही बीमार करना चाहती हो ना। अब जो मानो अभी अभी ऑफिस जाते हुए मुझे कितने 4-5 महीने हुए हैं, उससे पहले नहीं क्या बच्चे कभी बीमार होते थे? उससे पहले भी बच्चे बीमार होते थे, जब मैं घर पर रहती तब भी बीमार होते थे। अब बीमारी पे तो किसी का कंट्रोल नहीं होता है, है ना, ये बात है। तो चलिए मैं थोड़ी देर अभी सोच रही हूँ कि सुबह की करूँ। अच्छा, बालों के लिए हाँ मैंने करवाई है, क्या करवाई है मैं बाद में बताऊँगी। अभी सिर में दर्द हो गई क्योंकि एक तरफ इसके चिकी पिकी पिकी ये लगा हुआ है, दूसरी तरफ बाहर इसमें सारे में नमकीन ही नमकीन फैला रखी है, वो भी साफ करनी। थोड़े से क्वेश्चन थे आप लोगों के, 2-4 कुछ मैसेज इंस्टा पे आते, कुछ यूट्यूब पे आते, तो जो जो मुझे याद रहता है वो मैं उनके जवाब दे दिए, बाकी जैसे याद आएंगे वो फिर से दे देंगे। अभी इंस्टा रील्स बना रही थी तो मुझे याद आया कि मैं आपको भी बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। आप लोग अगर डायरेक्ट ऐसे मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई कर देती हूँ जो मुझे टाइम मिलता है। तो मेरी इंस्टा आईडी जो है वो भी हिमाचली ब्लॉगर पूजा ही है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं। अगर हिमाचली ब्लॉगर पूजा भी सर्च करोगे तो भी जो है मेरी आईडी ओपन हो जाएगी। तो आप मुझे वहाँ पे ज़रूर 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 फॉलो करना और मेरी रील्स को लाइक करना मेरी रील्स को लाइक करना, क्योंकि मैं भी कभी कभी बीच बीच में टाइम मिल जाता है 2-4 दिन छोड़ के, तो मैं रील्स बना लेती हूँ। और ऐसे बहुत हाई फाई कुछ ऐसी रील्स नहीं मैं बनाती हूँ, सिंपल जैसे मैं होती हूँ वैसे मैं बना देती हूँ। और व्लॉग्स भी मैं जैसे मैं हूँ जैसा है वैसा दिखा देती हूँ। व्लॉग के लिए स्पेशली रेडी होना है एंड ऑल वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वो मेरा वैसा नहीं हो पाएगा मेरे से। तो जैसा है एज इट इज़ मैं दिखा देती हूँ। घर गंदा है तो गंदे घर से ब्लॉग की शुरुआत हो जाती है, मुँह गंदा है तो गंदे मुँह से ब्लॉग की शुरुआत हो जाती है, तो जो है वो वैसा ही है। तो चलिए जी दाल बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि उड़द ख़त्म हो गई थी, मतलब जो माँ की दाल होती है काले माश वो ख़त्म हो गए थे, तो सिर्फ और सिर्फ मैंने जो दले चने होते हैं उसकी दाल बनानी है। और इसमें ना लास्ट में मैं या तो नींबू का रस आप डाल सकते हैं, या फिर जो आम की सूखी ना मम्मी ने कलियाँ सी दी है घर पर, मेरी सासू माँ ने दी थी, तो वो मैं यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर तो फिलहाल मैंने हींग और साबुत धनिया और ये जीरा ऐड कर दिया है। सिंपल सा तड़का लगाना है, टमाटर वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। और उड़द की दाल में ना मुझे टमाटर वो वाले मतलब थोड़े खड़े खड़े से टमाटर के बाद में भी आए दाल में तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये तड़का हमारा जो है डाल दिया है मैंने, इसमें अदरक लहसुन प्याज धनिया जीरा और हींग, बस इसको थोड़ी देर पका लेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी। हल्दी वैसे मैंने दाल में भी डाली है, नमक भी डाला है, बट दाल में थोड़ा मतलब कम ही रखा है तो ताकि बाद में भी ऐड किया जा सके। तो नमक थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले कम नमक डाला था। चलिए अच्छे से कर लेते हैं इसको मिक्स, और इसके बाद थोड़ा सा पक जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। और जो मैं बोल रही हूँ ना कि आम की जो सूखी हुई वो होती है, सूखा करते हैं हम आम को, कच्ची जो अम्बियाँ होती हैं उनको, वो मैं बाद में डालूँगी, मतलब लास्ट में जब मुझे इसको बॉईल करना होगा ना दाल को तब। तो यहाँ पे टमाटर को मैंने जो है चॉप करके डाला है, रफली चॉप नहीं किया है, वैसे फाइन चॉप ही किया है, बट हाँ फिर भी इसके टुकड़े रह ही जाते हैं थोड़े थोड़े, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। अगर आपको ना लगते हो अच्छे तो वो आप कद्दूकस भी कर सकते हो, या फिर चॉपर में चॉप कर सकते हो, या फिर आपको प्योरी टमाटर की बनानी है तो वैसे भी कर सकते हो, मैं ऐसे ही सिंपली कर रही हूँ। चलिए टमाटर को पकने देते हैं। थोड़ा सा ना इसमें जो है पानी आप ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे दाल वाला जो पानी है वो ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमारा ये मसाला है वो अच्छे से पक जाए, क्योंकि कई बार ना कढ़ाई में लगना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा सा इसके लिए पानी ये दाल का पानी मैं ऐड कर रही हूँ। 2-4 दाने दाल के भी आ गए, बट चलो कोई बात नहीं, ये सब कुछ तो होता ही रहता है ना, खाने तो हमने ही है क्यों। तो ये देखिए तड़का हो चुका है हमारा रेडी, टमाटर जो हमारे पक चुके हैं, छिलका प्रॉपरली गलता नहीं है, आजकल टमाटर ऐसे ही आ रहे हैं, तो ये दाल भी हमारी जो है प्रॉपरली बॉईल हो गई थी, थोड़ी घनी घनी सी मुझे अच्छी लगती है।
तो ये मैंने ऐड कर दी इसमें। अभी हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स, और क्योंकि अभी इसको थोड़ी देर और पकाना है तो वैसे मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी, ऐसे एज इट इज़ इसको यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ा मैं करूँगी इसमें पानी ऐड, पर पहले प्रॉपरली इसको मिक्स कर लेते हैं क्योंकि चावल के साथ खानी है थोड़ी घनी घनी सी गाढ़ी सी दाल अच्छी लगती है, एकदम पानी तैरती हुई दाल मुझे नहीं अच्छी लगती। तो ये पानी मैंने इसलिए इसमें डाला है क्योंकि अभी ये पानी जो है एब्जॉर्ब भी कर लेगी, और ये टमाटर अभी ऐसे लग रहे हैं लेकिन जब दाल गाढ़ी हो जाएगी ना तब ये बहुत बढ़िया लगेंगे। तो ये देखिए दाल हमारी हो चुकी है रेडी, और चावल मैंने उसी कुकर में डाल दिए जिसमें दाल बॉईल की थी, और ये सुबह के लिए कट करके रखी है मैंने ब्रोकली। सुबह हमारी जो है ब्रोकली बनेगी खाने में, बट मैं रात में ही लगा देती हूँ ज़्यादातर तड़का। और ये मेरी थाली रेडी है, वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल नई वीडियो में, बाय बाय।